वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखां दीआं धार्मिक सफावां दे विच अते पंजाब दे राजनीतिक गलियारियां तो लैके भारत दे राजनीतिक गलियारियां तक अज एक शब्द बड़ा चर्चा दा विशा बनिया होया। उस शब्द दे उत्ते हर कोई चर्चा कर रहा है अते जानना चाहुंदा है कि आखिर इसका इतिहास की है अते इह क्यों हुंदा है। उह शब्द है सरबत खालसा। सरबत खालसा जिहड़ा इन्हां दिनां दे विच चर्चावां दा विशा बनिया होया। पर सरबत खालसा दा इकट्ठ की है अते सरबत खालसा दा इकट्ठ क्यों सद्या जांदा है, कदों सद्या जांदा है अते सरबत खालसा दे इकट्ठ नूं कौण सद सकदा है, सरबत खालसा इकट्ठ नूं सद्दण दे मायने की ने, अते इस दे नाल नाल सरबत खालसा दे इकट्ठ दे बारे इतिहास की गवाहियां दिंदा आ। सरबत खालसा दे इकट्ठ नूं लै के गुरबाणी की आखदी है, अज ये सब चर्चा का विशा बनिया होया। तो आओ जानते हैं सरबत खालसा दे बारे कि सरबत खालसा की है, कदों सद्या जाता है, कौन सद सकता है अते सरबत खालसा दे मायने की ने, अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गुरबाणी सिखां दी इस एकत्रता दे बारे की कहती है। सरबत खालसा शब्द का अर्थ है समुचे खालसा पंथ की एकत्रता, जिस दे विच पंथक मुद्दे विचारे जांदे ने। पंथक राजनीतिक मामलों नूं लै के सरबत खालसे दे इकट्ठ सद्दे जा सकदे ने। सौखे शब्दां दे विच समझिए तां सरबत खालसा ओ एकत्रता दा नाम है जिस दे विच कोई वड्डे पंथक मसले नूं पंथक धार्मिक जां राजनीतिक वाद विवाद नूं हल करन दे लई जदों समुचा खालसा पंथ एक थां दे उत्ते एकत्र हो के कोई निर्णायक फैसला लैंदा है अते ओ फैसला समुचा खालसा पंथ मनण दे लई पाबंद भी हुंदा है। तां इस तरह की एकत्रता नूं सरबत खालसा दा नाम दिता जांदा है। इतिहास दे विच हुण तक सरबत खालसे दीआं होईआं एकत्रतावां दी गिणती नूं लै के इतिहासकारां दे मत वक्रे वक्रे ने। कुछ इतिहासकार ये कहिंदे ने कि 1699 नूं विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा साज के सरबत खालसा दे इकट्ठ करन गुरमता करन दी रवायत नूं जन्म दिता सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गुरबाणी भी सरबत खालसे वर्गी एकत्रता करन अते गुरमता करन दी रवायत नूं प्रवानगी दिंदी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1185 दे विच पावन तुकां दर्ज ने, होए एकत्र मिलहो मेरे भाई दुविधा दूर करहो लिव लाए, हर नामा के होवो जोड़ी गुरमुख बैस हो सफा बछाए। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार जी पासों सरबत खालसा सद्या जा सकता है, पर सरबत खालसा सद्दण दे लई पंथक आगूआं बुद्धिजीवियां दे नाल विचार करके सिख कौम नूं सरबत खालसे दे विच शामिल होण दा सद्दा दिता जांदा है, जिस दे विच देश दुनिया दे विच वसदे समुचे सिख भाईचारे नूं इस एकत्रता दे विच शामिल होण दे लई सद्दा भेजिया जांदा है अते एक दिन निर्धारित कीता जांदा है, जिथे समुचे दुनिया दे विच वसदे सिख उस थां अते उस दिन एकत्र हुंदे ने अते उस दिन गुरमते कीते जांदे ने जिन्हां मसलियां नूं लै के सरबत खालसे दा इकट्ठ सद्या गया हुंदा है। कुछ इतिहासकारां दे अनुसार इतिहास दे विच पहला सरबत खालसे दा इकट्ठ सन 1723 विच दिवाली वाले दिन भाई मनी सिंह जी दी अगवाई दे विच दरबार साहिब सद्या गया सी, जिस दे विच पंथ दे विच चल रहे तत् खालसा अते बंदेई खालसा दे विवाद नूं हल कीता गया सी। इस तो बाद दूसरा सरबत खालसे दा इकट्ठ सन 1726 दे विच मुगल सल्तनत दे खिलाफ सद्या गया सी, जिस दे विच मुगल सल्तनत दे वल्लों कीते जा रहे जुल्मां दे खिलाफ मते पास कीते गए। इतिहासकारां दे विच सरबत खालसे दीआं होईआं एकत्रतावां दी गिणती दे बारे वक्रे वक्रे मत ने,
कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सन 1805 तक 30 तो वधेरे वार सरबत खालसे की एकत्रता हो गई सी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि पहली बार 1723 ईस्वी के विच, दूसरा सरबत खालसे का इकट्ठ 1726 विच, तीसरा 1733 दे विच, चौथा 1748 दे विच अते उस तो अगे 1805 दे विच सद्या गया। 1805 ईस्वी नू महाराजा रणजीत सिंह जी ने जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी की अगवाई दे विच खालसे पंथ की एकत्रता कीती सी। सन 1805 तो बाद एक लंबे समय के वक्फे तो बाद 1920 नू सरबत खालसे की एकत्रता सदी गई, जिस एकत्रता दे विच 15 नवंबर 1920 नू हुई। इस एकत्रता दे विच होंद दे विच आउंदी है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी। 1920 तो बाद अगली सरबत खालसे की एकत्रता भारत की आज़ादी तो बाद 1984 दे विच दरबार साहिब दे उत्ते होए हमले तो बाद 26 जनवरी 1986 नू सदी गई सी, जिस दे विच SGPC नू भंग करना, अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नू सेवा मुक्त करना, पंथक अगवाई दे लई 5 मैंबरी कमेटी बनाउणा अते ढहिढेरी कीते गए अकाल तख्त साहिब दी इमारत जो सरकार दे वल्लों बनाई गई सी उसनू ना प्रवान करदे होए सिख संगतां दे दसवंध दे नाल मुड़ तों नवीं इमारत दी उसारी करना अते उस इमारत दी उसारी दी सेवा दमदमी टकसाल नू सौंपना अजिहे गुरमते पास कीते गए सन। 26 जनवरी 1986 तो बाद अगली एकत्रता 16 फरवरी 1986 नू आनंदपुर साहिब दी धरती दे उत्ते सदी गई सी, जिस दे विच भरा मारू जंग नू रोकण दे लई गुरमते कीते गए सन। पर यह एकत्रता इतिहासकारां दे अनुसार गुरमत जगत तो सखणी दसी जांदी है। सरबत खालसे दी हुण तक आखिरी बार एकत्रता सन 2016 दे विच अमृतसर दे पिंड चब्बा दे विच सदी गई सी, जो कि पंथक आगुआं दे वल्लों राजनीतिक पंथक धिरां दे वल्लों सदी गई सी। इस एकत्रता दे विच ही जगतार सिंह हवारा नू श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार थापिया गया सी। सिख इतिहासकारां अते सिख बुद्धिजीवियां दी इन्हां पंथक एकत्रतावां दी गिणती नू लै के मत वक्खरे वक्खरे ने, नाल दी नाल कई सरबत खालसा दीयां एकत्रतावां दे विच पास होए गुरमतियां नू लै के भी सिख बुद्धिजीवियां दे मत वक्खरे वक्खरे ने। पर पंथक विवादां नू हल करन दे लई पंथक राजनीतिक मसलियां दे उत्ते कोई वड्डा निर्णायक फैसला लैण दे लई सरबत खालसा दे इकट्ठ कीते जा सकदे ने अते पावन गुरबाणी भी इन्हां एकत्रतावां दे उत्ते मोहर लगाउंदी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।